हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। राज्य विद्युत बोर्ड में आगामी कुछ दिनों के दौरान विभिन्न श्रेणी के 548 पद भरे जाएंगे। बिजली बोर्ड के निदेशक मंडल ने कनिष्ठ अभियंता के 250 पद, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT के 200 पद, ड्राइवर के 50 पद, स्टेनोटाइपिस्ट के 30 पद, अधीक्षक लेखक के 10 पद और JTM के 8 पद भरने की मंजूरी दे दी है। यह पद सीधी भर्ती के माध्यम से भर्ती एवं पदोन्नति नियम के मुताबिक भरे जाएंगे। विद्युत बोर्ड जल्द ही इनके चयन के लिए अधीनस्थ चयन सेवाएं आयोग हमीरपुर से पत्राचार करेगा। आयोग द्वारा चयन प्रक्रिया पूरी करने के बाद चयनित उम्मीदवारों को बिजली बोर्ड में तैनाती दे दी जाएगी। इन पदों को जल्द भरने की मांग। इसके बाद बोर्ड में कुछ हद तक स्टाफ की कमी दूर होगी। वर्तमान में खासकर कनिष्ठ अभियंता और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के कई पद खाली होने से बोर्ड का काम बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। राज्य विद्युत बोर्ड महासंघ के महासचिव हीरालाल वर्मा ने बोर्ड प्रबंधन से इन पदों को जल्द भरने की मांग की है। उन्होंने बताया कि बोर्ड से दर्जनों अधिकारी एवं कर्मचारी हर साल रिटायर हो रहे हैं, इससे बोर्ड में रिक्तियों की संख्या बढ़ती जा रही है। यह देखते हुए उन्होंने भविष्य में भी विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों की चयन प्रक्रिया जारी रखने को कहा है।